बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम अम्मत शम, काबिले एहतराम, ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सूसन के फ़्लावर जो हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, और इसको ब्लैक आइड भी कहते हैं। बड़ा ख़ूबसूरत है, ज़बरदस्त, और जब ये फूल खिलते हैं तो नीचे से स्टिकें निकालता है और बड़े ज़बरदस्त, अगर बेड की सूरत में लगाए जाएँ या मतलब भर के फूल इसके एक बेड लगाया जाए तो बड़ा ख़ूबसूरत लगता है। नीचे से ये अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है और इसके इसी तरह स्टिकें भी निकलती रहती हैं। स्टिकें जो है ना उसमें फ़्लावर होते हैं, और फ़्लावर का साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है। येलो कलर में है ये, लेकिन सूसन के जो फ़्लावर हैं वो येलो कलर में ही होते हैं। तो ये आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़े से पौधे हैं और इसके ज़्यादा पौधे नहीं हैं। तो ये मैंने कहा चलें आपको दिखाए देते हैं कि सूसन के फ़्लावर और उनकी खूबसूरती आपसे शेयर कर ली जाए, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप ये लगा सकते हैं। अप्रैल में इसका सीड लगता है, और अगर आपने सीड से ग्रो करना है तो अप्रैल में इसका सीड लगा के इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इसको अलग-अलग करके लगाना है, क्योंकि ये नीचे से अपना बहुत अच्छे बेबी प्लांट निकालता है, बहुत ज़बरदस्त, आप उनको भी सेपरेट कर सकते हैं बरसात में, और इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कन्वर्ट करके मज़ीद पौधे बनाकर उनसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे गमलों में जो है वो लगाए हुए हैं, तो मैंने ख़ुद जो है ना फ़र्स्ट टाइम एक ये जो है देखे हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे इसका शेयर कर लिया जाए सारा। तो बहुत ख़ूबसूरत हैं ये, देखें कितना ज़बरदस्त फ्लावर, और जब ये पूरा बेड बना होता है तो फिर ऊपर फ्लावर ही फ्लावर नज़र आते हैं, और फिर बहुत मज़े का एक माहौल बन जाता है, और बड़ा ख़ूबसूरत ये अपना आप दिखाता है मौसम के हिसाब से। तो तकरीबन जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये फ्लावर करता रहेगा, और इस तरह आप इससे बहुत सारे फ्लावर ले सकते हैं। तो पानी का ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है इसको, ओवरवाटरिंग से ये मर सकता है। और दूसरा इसका ये ख्याल रखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी और वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि इसके जो अंदर से पानी जो है वो स्टेनर हो सके। तो नाज़रीन इकराम, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी, ताकि आपको सूसन के फ़्लावर जो है वो दिखा सकूँ। तो इसमें इंशाल्लाह एक बकायदा जो सीड से लेके फ़्लावर तक का जो सफ़र है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपको इसका एक नज़ारा करवा दिया है और दिखा दिया है। तो इसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो नर्सरियों से आप ले सकते हैं, और बहुत ख़ूबसूरत फ़्लावर करता है ये। इंशाल्लाह ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपसे शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा मोहब्बतों भरा सफ़र जारी और सारी रहे। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो और अच्छी मालूमात लेके आता रहूँगा। फ़ी अमानुल्लाह।